देखिए, एक युवती यहाँ पे ट्रामा सेंटर में आज एडमिट हुई जो थाना मक्खनपुर से संबंधित थी, और उनसे जानकारी जो प्राप्त की गई तो उन्होंने बताया कि एक पुष्पेन नाम का पुलिस लाइन्स का कांस्टेबल है, उसके द्वारा उसे कुड़िया में कोई चीज़ दे दी गई थी, उसको खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। यहाँ में ट्रामा में ला दिया गया जहाँ पर वो उपचाराधीन है। डॉक्टरों से हम लोगों की बात हुई है, डॉक्टरों ने यही बताया है कि उनके सारे वाइटल्स पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, फिलहाल अभी ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखे हुए हैं। जब वो पूरी तरह से जब ये स्वस्थ हो जाएंगे तो हम लोग भी उनसे गहनता के साथ पूछताछ करेंगे कि इस घटना के पीछे कारण क्या है। इस प्रकरण के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये पुष्पेंद्र जो हमारे पुलिस लाइन में पोस्टेड है, कांस्टेबल है, इससे इनके 2-3 साल पहले से ही इनके आपस में परिचय था, संबंध था। उसके बाद से इनमें आपस में किन्हीं कारणों से मतभेद हो गए, उसके बाद इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी लाइन द्वारा की गई, जिसमें इनको पुष्पेंद्र को पूरी तरह से दोषी ठहराया गया तथा उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना मुखपुर में 4 जुलाई को अभियोग भी पंजीकृत करा दिया गया था। और उस अभियोग पे हमारी विवेचना चल रही है, उसमें अब तक जो एविडेंस पाए गए हैं उस एविडेंस के आधार पर पुष्पेंद्र को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। महिला जब पूरी तरह से जब स्वस्थ हो जाएंगी उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और घटना के संबंध में अन्य जो भी जानकारियाँ मिलेंगी उसको भी हम लोग विवेचना का पार्ट बनाएंगे और साक्ष्य के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई कराएंगे।